और बताया क्या? अरे सरवण जैसा पुत्र नहीं, कोई अलग। अरे सरवण जैसा पुत्र नहीं, और कौशल्या सी माता रे। और आगे की लाइन में लिखा क्या? इस कलयुग में कहां से लाऊं राम लखन से भाला रे। इस कलयुग में कहां से लाऊं राम लखन से भाला रे। सरवण जैसा पुत्र नहीं, हाँ सरवण जैसा पुत्र नहीं, कौशल्या सी माता रे। इस कलयुग में कहां से लाऊं राम लखन से भाला रे। इस कलयुग में कहां से लाऊं राम लखन से भाला रे। सी माता रे, अरे इस कलयुग में कहां से लाऊं राम लखन से भ्राता रे। अगर ये दो लाइनें अच्छे से समझ में वर्डिंग आई है और अच्छा लगा हो तो कृपया करके एक बार मुझे हाथ उठा के बता दे। अच्छा लगा माता बहनाओं, अच्छा लगा, समझ में आ रहा है, शब्द समझ में आ रहे हैं, फिर ठीक है। और वैसे भी ना इनसे ज्यादा समझ में आपके आना भी चाहिए, पता है क्यों? क्योंकि ये तो दूर दूर जाके भी कार्यक्रम देख लेते हैं, लेकिन आप तो बेचारी हो ना, अपने गांव में ही देख पाती हो, तो ज्यादा समझ में भी आपके आना चाहिए और ज्यादा पसंद भी आपको ही आना चाहिए। और आपकी और हमारी डिपार्टमेंट की बात है, ताली बजाओ जोरदार। ये आपका भ्रम हो सकता है, क्यों? अब तो ये माता बहन रेवाड़ी में जाके शॉपिंग करती है, कैसी बात करे है तू। अच्छा जी, फिर तो ठीक है, फिर तो गांव वालों को धन्यवाद जो इतना शौक करा रहे हो और मौज लेवा रहे हो, तो बढ़िया बात है, आनंद आना भी चाहिए जिंदगी जीने में। सुनिएगा पहली कली में क्या, क्या? मीरा जैसी लगन नहीं है, सीता जैसी पीर नहीं, राधा जैसी प्रीत नहीं, और गंगा जैसा नीर नहीं। राधा जैसी प्रीत नहीं और गंगा जैसा नीर नहीं। मीरा जैसी लगन नहीं है, सीता जैसी पीर नहीं, राधा जैसी प्रीत नहीं और गंगा जैसा नीर नहीं। राधा जैसी प्रीत नहीं और गंगा जैसा नीर नहीं। कृष्ण जैसी लीला नहीं, कृष्ण जैसी लीला नहीं, ब्रज में रास रचाता रे। इस कलयुग में कहां से लाऊं राम लखन से भ्राता रे। इस कलयुग में कहां से लाऊं राम लखन से भ्राता रे। से जती नहीं है, पूरण मल से जती नहीं है, पीतली सी शक्ति ना, एकलव्य सा शिष्य नहीं और ध्रुव के जैसी भक्ति ना। एकलव्य सा शिष्य नहीं और ध्रुव के जैसी भक्ति ना। अरे पूरण मल से जती नहीं है, भीम
शक्ति ना एकलव्य का शिष्य नहीं और ध्रुव के जैसी भक्ति ना एकलव्य का शिष्य नहीं और ध्रुव के जैसी भक्ति ना सावित्री सा तेज कहाँ है सावित्री सा तेज कहाँ है जिससे यम भय खाता रे उस कलयुग में कहाँ से लाऊं लगन से भ्राता रे उस कलयुग में कहाँ से लाऊं लगन से भ्राता रे और हमारी माता जियों की तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार आया आशीर्वाद उन्होंने दिया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद नाम तो मुझे नहीं बताया लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद दिया बताया कि दानी तो दुनिया में ना जाने कितने हुए लेकिन सबसे ऊपर दान में किसी का नाम आता है तो सुनो किसका आता है क्या बताया हरिश्चंद से दानी नहीं हरिश्चंद से दानी नहीं वर्ण सह दातार कहा अनसुईया सी सती नहीं और राम लखन सा प्यार कहा अनसुईया सी सती नहीं और राम लखन सा प्यार कहा हरिश्चंद से दानी नहीं कर्ण सह दातार कहा अनसुईया सी सती नहीं और राम लखन सा प्यार कहा अनसुईया सी सती नहीं और राम लखन सा प्यार कहा हनुमान सा भक्त कहा जो हनुमान सा भक्त कहा जो सीना फाड़ दिखाता रे इस कलयुग में कहा से लाऊं राम लखन से भ्राता रे इस कलयुग में कहा से लाऊं राम लखन से भ्राता रे अजीज मेरे पिता समान हमारे बहुत ही अजीज अंकल अतर सिंह जो सुरखपुर गांव से अपनी टीम के साथ यहां आए हैं वो पहले भी कई 100 रुपए दे चुके हैं और फिर से 100 रुपए से हमारा सम्मान करते हैं उनका धन्यवाद और एक और अंकल जी देखे गए उन्होंने नाम नहीं बताया लास्ट में बताया प्रेमी श्रोताओं कि भाई दुनिया में देश तो ना जाने कितने हैं लेकिन हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है और मेरा देश तो सबसे महान है और सुनिए लास्ट में कैसे और हमारे झाड़ोदा से हमारे बाबा आए हैं नेत्रहीन है वैसे तो लेकिन भगवान के प्रति श्रद्धा बहुत है उन्होंने मुझे बहुत प्यार अब तक दिया कई बार उन्होंने मुझे वहां बुलवाया बाबा लक्ष्मी नारायण वहां से आए हैं वो उनका यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है उनका अभिनंदन है और आदरणीय सूबेदार सुरेश पहलवान जी कटेसरा से वो भी इस भजन पर खुश होकर 100 रुपए से सम्मान करते हैं पहलवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद सुनिए लास्ट में क्या हिंदू जैसा धर्म नहीं है हिंदू जैसा धर्म नहीं है भारत जैसा देश
देश नहीं, रामायण सा ग्रंथ नहीं और गीता सा उपदेश नहीं, रामायण सा ग्रंथ नहीं और गीता सा उपदेश नहीं, हिंदू जैसा धर्म नहीं है भारत जैसा देश नहीं, रामायण सा ग्रंथ नहीं और गीता सा उपदेश नहीं, रामायण सा ग्रंथ नहीं और गीता सा उपदेश नहीं। कमल सिंह श्रद्धा भक्ति से, कमल सिंह श्रद्धा भक्ति से हरि दर्शन हो जाता है, इस कलयुग में कहां से जाऊं, मन बन से जाता है, इस कलयुग में कहां से जाऊं, मन बन से जाता है। सरवण जैसा पुत्र नहीं और कौशल्या सी माता है, इस कलयुग में कहां से जाऊं, मन बन से जाता है, इस कलयुग में कहां से जाऊं, मन बन से जाता है।